हमारे निर्णय पर आप प्रश्न चिन्ह लगाने आई हैं? इस प्रसन्नता के अवसर पर हमारे मन में हमारे पुत्रों के लिए भेदभाव के बीज बोने आई हैं आप? बस सच्चा भाई जी बस, अब एक और शब्द मोर प्रताप की एक असफलता का अनुचित लाभ उठाना चाहती हैं आप? ये छोटी सोच है आपकी। चली जाइए हमारे कक्ष से। कोई शक्ति शांत हो जाए। क्यों रानी माँ, क्यों क्यों सदा आप ही अपमान सहती हैं? क्यों दाजीराज हमें उतना स्नेह और आदर नहीं देते जितना वे औरों को देते हैं? क्यों ऐसा रानी माँ, क्यों? ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे रानी माँ? क्यों हमारे साथ ही अन्याय होता है? क्यों? शांत हो जाइए कुंवर शक्ति, आपके दाजीराज ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए। आपको वहां नहीं आना चाहिए था और ना आपको हमारी बातें सुननी चाहिए थी। माँ, हम इतने मूर्ख भी नहीं हैं। हम समझते हैं कि दाजीराज ने हमें कभी किसी योग्य ही नहीं समझा। क्या हम नहीं जानते कि जैसे ही दादा भाई की हमसे तुलना हुई वे हमसे पिछड़ गए और दाजीराज को ये तनिक भर भी अच्छा नहीं लगा। जब हम दाजीराज के पास गए तो हमें समझ आ गया कि वे कितने निराश थे। इतने निराश, इतने दुख हमें दाजीराज को पहले कभी नहीं देखा। मां, उस समय भी नहीं देखा था जब शम्स खान अपनी सारी सेना के साथ हमारे राज्य को विध्वंस करने वाला था। पर आपकी मात्र एक परीक्षा की असफलता ने राणा जी को इतना दुखी और इतना निराश क्यों कर दिया? क्योंकि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए रानी माँ। उन्होंने सबके सामने हमें अपने समीप बैठाकर अपने हाथों से भोजन खिलाया था, पर हम एक साधारण सी परीक्षा में असफल हो गए। उस दिन भी दाजीराज ने दादा भाई को अपने समीप बिठाकर भोजन किया। क्यों? क्योंकि दादा भाई ने उन्हें युद्ध जीतने में उनकी सहायता की। पर आज जब हमने इतनी कठिन परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ आकर दिखाया तो क्या किया उन्होंने? बस पुरस्कार स्वरूप ये अंगूठी भेज दी, वो भी दादा भाई के हाथों। ये अंगूठी शांत जाए और शक्ति अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए। नहीं रानी माँ, अब ये क्रोध ना तो रुकेगा और ना ही कभी ठंडा पड़ेगा, क्योंकि यही क्रोध अब हमारे प्रशिक्षण की हर परीक्षा में दादा भाई को हराने के लिए हमारी शक्ति बनेगा। हम दाजीराज को और सारे मेवाड़ को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। रानी माँ, आज हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस तरह हमने दाजीराज को निराश किया है हम उन्हें दोबारा कभी निराश नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी क्षमता से आश्रम की शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ रहकर बताएंगे, वहां से सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर आएंगे, ऐसे प्रशासक ऐसे योद्धा बनकर बताएंगे कि दाजीराज का हम पे गर्व हो। हम ये साबित कर देंगे रानी माँ, दाजीराज का हम पर भरोसा करना भूल नहीं थी। उनके भरोसे के ही सारे एक दिन मेवाड़ को ऐसा स्वच्छ शासन देंगे जैसा हमारे दाजीराज ने दिया। आज हम संकल्प लेते हैं रानी माँ कि इस शिक्षा में हम दादा भाई से कहीं अच्छा करके दिखाएंगे। और एक दिन वो भी आएगा जब मेवाड़ की प्रजा दादा भाई को नहीं हमें अपने भावी राजा के रूप में देखेगी।
आशीर्वाद दीजिए रानी माँ, ताकि हम आपके उन सभी सपनों को पूरा कर पाए जो आज तक आपने हमारे लिए देखे। हमारा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ रहता है प्रताप, पर वास्तविकता में अब इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज से भविष्य तक आपके लिए कोई आशीर्वाद अर्थ रखेगा तो वो होगा आपके गुरु का आशीर्वाद। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ रानी माँ, आपने बचपन में ही हमें ये श्लोक याद करवा दिया था और ये भी समझाया था कि एक शिष्य के लिए उसके गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। ईश्वर से भी पहले अपने गुरु को स्थान देना एक शिष्य का धर्म होता है। हमें सब कुछ याद है रानी माँ, बस एक बात का डर लग रहा है। क्या हम आचार्य जी के सचमुच जैसा आप चाहती है, जैसा आप सोचती है, वैसे आदर्श शिष्य बन पाएंगे? अवश्य। निर्भय होकर जाइए और जो कुछ सिखाया जाए उसे सीखिए, और सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़िए, चाहे जो भी परिणाम हो, क्योंकि सत्य और धर्म में बहुत शक्ति होती है। और जो गुरु को समर्पित शिष्य इसे आचरण में ढाल देता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। आपकी ये सारी बातें हम वहां सदा याद रखेंगे। आप दाजीराज से आशीर्वाद ले लें। हाँ हाँ, पर ध्यान रखिए, अगर वे निद्रा में हो तो उसे भंग मत कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। जाइए। रानी सा, इतनी जल्दी क्या कर रही हैं आप? मुझे बुला लिया होता। देख नहीं रही, हम अपने कुंवर प्रताप के लिए दही मिश्री बना रहे हैं। आज उनका गुरुकुल में पहला दिन है ना? नहीं नहीं रानी सा, अब ऐसा नहीं कर सकते रानी सा। इसमें क्या मिलाया है आपने? क्यों चिंतित हो रही? जा, जाके कुंवर प्रताप से कह दो कि अपनी छोटी माँ से मिले बिना चाहे ना। जाओ याजी। भाई शक्ति, ये कैसा संयोग है, हम दोनों एक ही साथ दाजीराज का आशीर्वाद लेने आए। हाँ दादा भाई। हम जानते हैं दाजीराज, मन से तो आपने सदा दादा भाई को ही आशीर्वाद दिया है, पर आज हम आपसे, आपके ही प्रिय पुत्र को हराने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए दाजीराज, हम अपने गुरु जी से अधिक ज्ञान प्राप्त करें और फिर भी ज्ञान के लिए प्यासे बने रहें। आशीर्वाद दीजिए कि हम अब आपको कभी निराश ना करें दाजीराज, आशीर्वाद दीजिए। रुकिए। क्षमा करें दाजीराज, हमने आपको भूल से जगा दिया। जिस पिता के दोनों पुत्र अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो भला सोया कैसे रह सकता है? आप दोनों मेवाड़ का भविष्य है, और प्रताप,
आपको याद है ना हमने आपसे क्या कहा था? हुकुम। एक लिंग जी, आप दोनों को सफल बना। जय लिंग जी, जय मेवाड़। जय मेवाड़। आज्ञा दीजिए राजीरा। जाइए। मेवाड़ राजकुमारों ने खम्मा घणी। बड़ी खम्मा। बावजी राज, आपकी छोटी मासा ने कहलवाया है कि आप उन्हें बिना मिले चले मत जाना गुरुजी के आश्रम। छोटी माँ इतनी जल्दी उठ गई? भाई शक्ति, आप प्रतीक्षा करिए, हम बस अभी आए। कहाँ है छोटी माँ? अपने कक्ष में। छोटी माँ, आप कहाँ है छोटी माँ? आपने छोटी माँ को कहीं देखा? नहीं। सुनिए, आपने छोटी माँ को कहीं देखा है? आपने कहीं छोटी माँ को देखा है? अब इन ढपोर सिंह दादा भाई के चक्कर में पहले ही दिन देरी हुई। चलिए हम लोग निकलते हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है बाबूजी राज? आप दादा भाई से पूछ लीजिएगा। हुक्म। चलिए। कुकैया जी, क्या आप जानती है छोटी माँ कहाँ है? बताइए ना कुकैया जी, कहाँ है छोटी माँ? हमें देर हो रही है। कुंवर प्रताप, अपनी छोटी माँ के आशीर्वाद लिए बगैर जा रहे थे। आप कहाँ थी छोटी माँ? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। यहीं तो थे, सुबह सुबह उठकर आपके लिए दही मिश्री बना रहे थे। उसी को चढ़ाने एकलिंग जी के पूजा घर में गए थे। हमने तो वहाँ भी देखा था आपको, और हम आपके कक्ष में भी आए थे। आपने ठीक से देखा नहीं होगा, वहीं थे हम। जाने दीजिए, अब आपको और विलंब ना करवाते। याची, जरा हम एकलिंग जी की विभूति तो देना। एकलिंग जी की विभूति? आयु चढ़ती जा रही है तुम्हारी। कहा था ना तुमसे कि एकलिंग जी के पूजा घर से विभूति ले आना। अब जाओ, जाके हमारे कक्ष से ले आओ। जी रानी साहब। आपके लिए रुकना अब संभव नहीं हो रहा है ना? क्या करते, आस्था जो है हमारी, एक लिंग जी के आशीर्वाद के बिना ये शगुन की दही मिश्री कैसे खिलाते आपको? यदि आप ये शगुन खाए बिना जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आपकी माँ एक लिंग जी से आपकी कुशलता की प्रार्थना कर लेगी। नहीं नहीं छोटी माँ, आप हमारे लिए इतनी सुबह उठकर शगुन तैयार कर सकती है, पर हम आपके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम प्रतीक्षा करेंगे और फिर अश्व को दुगनी गति से दौड़ाकर निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे। ये लीजिए, कुकैया जी भी आ गई। ये लीजिए रानी सर। रुक जाइए। क्षमा करें धीर भाई जी, पर हमने प्रतिज्ञा ली थी। कुंवर प्रताप बिना हमारे चखे कुछ भी नहीं खाएंगे। रानी माँ, दही मिश्री तो है और छोटी माँ ने हमारे लिए अपने हाथों से बनाया है। आप नहीं जानते कुंवर जी, कब हाथों हाथ हाथ बदल जाए। नियम कैसे तोड़ दे हम, प्रतिज्ञा कैसे भंग कर दे। सही कह रही है आपकी मासा, आपकी सुरक्षा में कोई भूल चुक नहीं हो सकती।
अनमोल जो है आप हमारे लिए। लीजिए जीजा। मीठी है। अब आप इसे प्रताप को चखा सकती हैं। एक इंजी से आपकी कुशलता की प्रार्थना करेंगे। चाहिए चलते हैं। सुबह सुबह उठकर इतना किया है धीर भाई जी, आपने थक चुकी होंगी। जाइए, जाकर विश्राम कीजिए। जी जी जी। खम्मा घड़ी भाई शक्ति का वो तो कब के चले गए बाबूजी राज? और हमारा अश्व कहाँ है? जी वो अश्व रक्षक को लगा कि आप नहीं आ रहे हैं तो घोड़ा अस्तबल में ले गया वापस। क्या? मैं अभी आपका घोड़ा लेकर आता हूँ बाबूजी राज। नहीं रहने दीजिए, हम अब किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम स्वयं चले जाएंगे। बाबूजी राज रुकिए, मैं आपका घोड़ा लेकर के आ रहा हूँ। बाबूजी राज तुम्हें क्या लगता है जो भूल हमने कुछ दिनों पहले की थी उसे फिर से दोहराएंगे? इतने मूर्ख लगते हैं क्या तुम्हें? नहीं नहीं रानी साहब, वो हमने सोचा प्रताप के लिए सोचने को हम है ना, तुम क्यों परेशान हो रही? और फिर हमने तो कहा ही था कि कुंवर प्रताप को हम ऐसा आहित करेंगे किसी को रत्ती पर संदेह नहीं होगा। पर रानी साहब, महारानी साहब ने जिस तरह से बावजी राज को दही मिश्री खिलाने से आपको रोका उससे तो ये तय है कि उनके मन में अभी भी आपके लिए संदेह है। कब तक पीछा करेगी जीजा हमारा? एक बार, दो बार, तीन बार, फिर जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा हमसे तो थक जाएंगी ना, भूल जाएंगी। और यदि नहीं भूलेगी तो हम उन्हें विश्वास दिला देंगे कि ये सिर्फ उनके मन का भ्रम है, अपने पुत्र की असुरक्षा का भ्रम। मैं समझे रानी साहब, आप जानबूझकर बावजी राज को उनके गुरुकुल जाने में प्रतीक्षा करवा रही थी। अब बिना सोचे समझे तो हम सांस भी नहीं लेते कोई अच्छे। एक तो प्रताप को ऐसे झटपटाता दिख, ठंडक मिल रही थी हमारे कलेजे को, और फिर किसी को मारने के लिए केवल विष ही नहीं होता या जी, और भी कितने तरीके हैं किसी को मारने के, है कि नहीं? एक तो पहली परीक्षा में कुंवर शक्ति से हार गए, बड़ी इच्छा थी ना उनके मन में, राणा जी की दृष्टि में, अपनी मासा की दृष्टि में, अपनी खुद की दृष्टि में फिर से भला बनने की, कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते थे कि उनके गुरुजी उनसे प्रसन्न हो जाए। पर हम तो पहले से ही जानते थे कि उनके गुरुजी बहुत ही अनुशासन प्रिय है। तो देखो पहले दिन गुरुकुल में देर करवा दी ना हमने, क्योंकि आप फिर से हारे तो आपकी हार का परिणाम शायद हम भी ना बदल पाए।